Hey, hello everybody, welcome back again with a new video. मैं अरविंद सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ टेक्निकल अभी यूट्यूब चैनल पे, जो कि आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है। फ्रेंड्स, 300 से 400 ये जो सीरीज है, ये जो प्लेलिस्ट है, आप जाके चेक कर सकते हैं। इसमें आपको क्या सीखने को मिलेगा, आप क्यों देखें ये वीडियो। देखिए, जब हमारे पास हमारा जो अकाउंट बैलेंस है वो $300 होता है, तो हम उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जाहिर सी बात है भैया, किसको पैसा नहीं चाहिए। $300 है मेरे पास, मेरे अकाउंट में मुझे $400 करना है, तो क्या मैं कर सकता हूँ ऐसा, क्या मुझे ध्यान रखना चाहिए। वैसे ही जब ये सीरीज स्टार्ट हुई थी, मैंने आपको बताया था, जब आपकी जेब में, यानी कि जब आप $40 रखते हैं, उसको आप $100 कैसे कर सकते हैं, 100 से $200 कैसे कर सकते हैं, $200 से $300 कैसे कर सकते हैं। मतलब जब आप स्मॉल ट्रेडिंग करते हैं, जल्दी ट्रेडिंग करते हैं, क्विक ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि आप क्विकलर यूज करते हैं, या आप एक मिनट की भी ट्रेड लेते हैं, तो बहुत गलतियां होने के चांसेस रहती हैं। वो गलतियां आप कैसे कम कर सकते हैं होने से, और उन गलतियों के जो परिणाम हैं उनको बदल कैसे सकते हैं। तो यार, ये ही, इसीलिए ये सीरीज है और आप सभी के लिए। अगर आपके पास $10 है, $20 है, $100 है, $50 है, $300 है, $500 है, ये वीडियो सीरीज आपको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ऑलरेडी मैंने ट्रेड जो है वो ले ली है। $300 का अकाउंट था, $302 आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं, $302, ठीक है। ऊपर आप जो करेंसी पेयर देख सकते हैं वो महाजंतर इंडेक्स है। अब आप लोग बोलेंगे कि भैया ये क्या वाला है, और आप में से काफी सारे लोग सवाल पूछते हैं कि महाजंतर इंडेक्स जो है वो ट्रेडिंग व्यू पे शो क्यों नहीं करता है। देखिए, ये भी एक कंपोजिट इंडेक्स है, देखा जाए तो ऑलिम्ट्रेड के अंदर, बाकी कंपोजिट इंडेक्स की तरह ही, जैसे कि OTC मार्केट होता है वो शो नहीं करता है ट्रेडिंग व्यू पे, तो उसी तरीके से ये होता है कंपोजिट इंडेक्स, जो शो नहीं करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो जब आप कंपोजिट पे ट्रेड करते हैं ना, तो यहाँ पे एक बेनिफिट ये होता है कि इसमें 5 सेकंड की जो ट्रेडिंग होती है वो अवेलेबल होती है, बाकी करेंसी पेयर पे आपको देखने को मिल जाएगी, बट यहाँ पे 5 सेकंड्स, 15 सेकंड्स, 30 सेकंड्स एंड 45 सेकंड्स, इन सब की ट्रेडिंग यहाँ पे अवेलेबल होती है, तो ये एक बेनिफिट है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप देख ही रहे होंगे कि जो ट्रेडिंग है वो किस तरीके से हो रही है अकाउंट के ऊपर। स्टार्ट आप स्मॉल से करें, क्योंकि आपको पता है, ये जब आप सीरीज शुरुआत आपने करी होगी या देखी होगी, तो $40 से हमने स्टार्ट किया था। तो अब आप देख सकते हैं, $40 को $300 पहुंचाने के बाद भी जो मिनिमम ट्रेड मैंने यहाँ पे ली है वो ली है $5 की लगभग, और मैक्सिमम ट्रेड जो ली है वो $15 की आप देख सकते हैं। तो यार, एक्चुअली क्या होता ना, लोग बोलेंगे भैया तुमने तो यार 40 को 300 कर दिया, तो अब ट्रेड बढ़ा क्यों नहीं रहा है, ठीक है। आज की इस वीडियो में कुछ अलग आपको देखने को मिलेगा। देखिए, ट्रेडिंग करते करते ना यार ऐसा होता है कई बार, मतलब आप आगे चलते हैं, आप 300 को 400 करने की कोशिश करते हैं, अब आप यहाँ पे गलती क्या करते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है वीडियो का, ध्यान दीजिएगा। जब हम करते हैं 300 से 400 पहुंचाते हैं, तो एक मेंटेलिटी हमारे दिमाग में ये होती है कि भैया हमारे पास तो ऑलरेडी पैसा पड़ा हुआ है, और 40 से हमने 300 बनाया है, तो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा है, तो हम उसको ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, रुकना कहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए। देखेंगे आप स्क्रीन पे, जब मैं ट्रेडिंग कर रहा था तो यहाँ पे लॉसेस भी मेरे को देखने को मिले। 360 तक पहुँच के मैं फिर से 300 पे भी आया हूँ, 320 पे भी आया हूँ, फिर से आगे बढ़ने की कोशिश की, और ये रिपीट करते 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 काफ़ी बार हुआ आप देखिएगा, क्योंकि मार्टिंगल्स भी फॉलो किए, और ये काफ़ी बार पहुँचते पहुँचते अंत में, आप देखेंगे वीडियो के लास्ट में मैं कहाँ तक पहुँचता हूँ, लेकिन इतना याद रखिएगा कि रुकना कहाँ पे है ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी। अब जब ट्रेडिंग आप करते जाएंगे ना, तो आप जितनी ज़्यादा ट्रेडिंग करेंगे उतना ज़्यादा आपका साइकोलॉजी जो है वो आपके ब्रेन के ऊपर हावी होगा कि और मैं करता हूँ, और करता हूँ, थोड़ा सा और कर लेता हूँ, पहुँचा ही देता हूँ 400 तक। बट यार, अगर मार्केट अच्छा नहीं है उस समय, आप नहीं पहुँचा पा रहे 400 तक, 300 को, तो रुकने में क्या हर्ज है मेरे भाई, अगले दिन 125 कर लेना। अगर आपको 400 से 500 करना है, तो अगले दिन आप ज़्यादा कर लेना, मेरा कहने का मतलब सिंपल है। अगर एक दिन आपको कम भी करना पड़ रहा है, तो अगले दिन ज़्यादा कर लो,
प्रॉब्लम क्या है इस चीज में भाई, तो इस चीज का ध्यान रखें। तो अब लास्ट में देख सकते हैं जो एंड मैंने किया वो $387 पे किया। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, मैंने 5 से 6 बार ट्राई किया इससे आगे जाने के लिए बट नहीं जाया जा रहा है क्योंकि वापस से पीछे आ जा रहे थे। तो मुझे लग रहा था ये एक सेफ पॉइंट है रुकने के लिए, ठीक है। 300 से मैंने $387 किया, 307 लगभग $85 का प्रॉफिट। मैंने बोला चलिए भाई अब रुक जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये पॉइंट जरूरी है कि यहाँ पे रुकना है। तो आज की इस वीडियो से आपको ये चीज सीखने को मिली इस एग्जाम्पल के साथ कि भैया हर बार जरूरी नहीं है कि आपको आपका टारगेट अचीव हो जाए। आज नहीं हो रहा यार, कल कर लो, हर बार जरूरी नहीं है। तो जब आपको नहीं हो रहा है टारगेट आपका अचीव, तो आप वेट करें, अगले दिन फिर से शुरुआत करें। ऐसा नहीं कि आप लॉस टारगेट लेके ही नहीं चल रहे साथ में। आप देखिए प्रॉफिट टारगेट आपके पास $100 का है, तो लॉस टारगेट भी आपके पास होना चाहिए $15, $20, $30। जैसे ही वो अचीव होता है आप रुक जाइए। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं कर लूंगा या हो पा रहा है, ठीक है, मार्केट अच्छा है भाई, एक ही डायरेक्शन में मार्केट है, ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप जाइए। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं बार बार फेल होने की वजह से मैं रुक गया 387 पे ही, जो कि सिर्फ $13 कम है, मात्र $13 कम है। चलिए वो कल कर लेंगे। जबकि अगर आप सोच रहे होंगे भाई अभी भाई आप तो $13 है यार, $13 तो कर ही लेते, रुकने की क्या जरूरत थी, $13 ही बचे थे ना, आप चाहते तो आप उसको बढ़ा देते। भाई चाहने को कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं जो चाहूंगा वो पूरा हो जाए या मैं जो करूंगा वो प्रिडिक्शन सही चली जाए, ऐसा कुछ नहीं है। काफी बार 2 से 4 बार हम ट्राई कर चुके हैं लेकिन वो नहीं जा पा रहा है, तो उस केस में यहाँ पे रुकना पड़े। इस चैनल के ऊपर हर एक चीज आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ मिलेगी, कुछ छुपाया नहीं जाएगा। इसी बात पे अगर आप चाहें, आपको पसंद आएगी, लाइक कर सकते हैं आप इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। इस वीडियो में मेनली मेरे को यही आप लोगों को बताना था कि कभी आप जब $300 से $400 को लेके जाए तो आप कहाँ पे गलती कर सकते हैं और कहाँ पे आपको रुकना है, ये आपको पता होना चाहिए। आप अगर देखना चाहते हैं $40 से $100 कैसे पहुँचाए जाते हैं, अगर आपके अकाउंट में बैलेंस $100 से $200 के बीच में है और आप उसको 200 पहुँचाना चाहते हैं, 200 से 300 के बीच में है, आपको $300 पहुँचाना है, क्योंकि आप ना स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियाँ लेके ऊपर चढ़ोगे, डायरेक्ट रस्सी चढ़ना स्टार्ट नहीं करोगे। कहीं आपको दूसरे माले पे जाना होता है, आप सीढ़ियों से चढ़ते हो, पाइप से नहीं चढ़ते जो घर के पीछे होता है। तो सीढ़ियों से चढ़ने के लिए एक एक सीढ़ी आपको चढ़ना पड़ता है, दूसरी सीढ़ी, पहला सीढ़ी 40 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 400, 500, 600, 700, ये सीढ़ियां हैं। तो भैया अगर आप जानना चाहते हैं कि 400 से 500 कैसा पहुंचा जाए, 500 से 600 और 1000 और 100 और पहुंचा कैसा जाए, वो भी जो क्विक ट्रेडिंग होती है 5 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड, 45 सेकंड लोग करते हैं। अब वो करते तो है, मैं अगर एडवाइस करूंगा तो भी करेंगे, नहीं करूंगा तो भी करेंगे, करना सबको ही है, बट करते टाइम जो गलतियां उनसे होती है, जो मिस्टेक्स उनसे होती है, वो हर कोई उन्हें नहीं बताता। तो वो बताने के लिए अगर वो जानना चाहते हो आप, तो ये सीरीज को आप फॉलो करें, ठीक है, अपडेट्स मिस ना करें। और मैं आपको और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, चलिए मुलाकात करेंगे और एक्साइटिंग वीडियोस के साथ। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।